नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र बंजारा आप सभी को रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कैलेंडर। कैलेंडर से रिलेटेड ये मेरा पार्ट फाइव है। यहां तक अगर मैं बात करूं तो पार्ट फोर तक मैंने आपको पढ़ा दिया है और ये सारे वीडियोस आपके एनवीरा एजुकेशन के प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है और आप वहां से जाके अच्छे से समझ के, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो अच्छे से समझ के आप उनके नोट्स बना सकते हैं। आज जो मैं शुरू कर रहा हूं उसमें मैं केवल बात करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि मैंने बेसिक पूरा क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। बेसिक कंप्लीट हुआ, उस बेसिक के बेस पे आज मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा। और अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आपके पास पहुंचे, इसलिए बेल आइकन भी दबा लें साथ में। और आप लोग हमसे हमारे फेसबुक पेज पे जाके भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले जो वीडियो मिल रहा है आप लोगों को उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक दिया हुआ है वहां आप क्लिक करें और आपको आप हम हमारे साथ फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं। अब जो शुरू कर रहा हूं वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पटवार के एग्जाम के लिए, रेलवे के एग्जाम के लिए या कॉम्पिटिशन एग्जाम में, जैसे राजस्थान पुलिस है, कोई भी वैकेंसी हो जहां रीजनिंग का महत्व है वहां इन क्वेश्चनों का महत्व है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, यदि कल के बाद आने वाला दिन शुक्रवार हो तो, यानी यहां पर कुछ एक वर्डिंग का महत्व होगा, जैसे कल, बीता हुआ कल, आने वाला दिन, या फिर परसों, या जैसे इन सभी वर्डों का मीनिंग होगा। ये अपन अच्छे से जानते भी हैं इन सभी वर्डों को। यदि कल के बाद आने वाला दिन शुक्रवार हो तो बीते हुए कल से तीन दिन पहले कौन सा दिन था। देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा इजी है लेकिन लैंग्वेज में क्या है, अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं लैंग्वेज की वजह से। आपको करना कुछ नहीं है, एक नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन जो अपन पढ़ते आ रहे हैं सिक्स स्टैंडर्ड से, इस नंबर लाइन के ऊपर वर्तमान स्थिति दर्शा दें। मतलब कोई भी कंडीशन होगी या नहीं होगी, लेकिन आज की स्थिति तो होगी ना, आप जिस कंडीशन में काम कर रहे हो वो वर्तमान स्थिति है, तो मैंने ये वर्तमान स्थिति यहां पे प्रदर्शित कर दी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि कल के बाद आने वाला दिन, यानी यहां पे बोला है कल, तो ये मेरे पास आज है तो ये कल है, क्योंकि कल के बाद आने वाले दिन को बोला है, तो कल के बाद ये वाला दिन आ रहा है और इस वाले दिन को क्या पड़ता है, शुक्रवार है। अच्छे से समझिएगा, इस वाले दिन क्या पड़ता है, शुक्रवार। तो आपको बोला जा रहा है बीते हुए कल कौन सा होगा, जैसे ये चीज आज है तो आज से ठीक एक दिन पहले कौन सा था, बीता हुआ कल, ये बीता हुआ कल। और बीते हुए कल से तीन दिन पहले, एक दो और ये तीन, यहां पे आगे मत बढ़ जाना क्योंकि ये चौथा दिन आ जाएगा, केवल तीन दिन तक की कैलकुलेशन करनी है। आपको ये बताना है कि इस दिन कौन सा वार है, यानी कौन सा दिन है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछा है, लेकिन अगर ये नंबर लाइन आप बनाना सीख गए तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे। अब करना क्या है, माइनस में उल्टा चलना है। शुक्रवार है तो यहां कौन सा वार है, गुरुवार है, सीधी सी बात है, यहां कौन सा वार है। अब देखो ये चीज काउंट कर लें आप, काउंट करने से क्या बेनिफिट होगा, अपन कभी आंसर रॉन्ग नहीं निकालेंगे। नहीं तो अपन क्या करेंगे, सात का योग करके फिर आगे वाला दिन एक बढ़ा देंगे या एक घटा देंगे, वो चीज नहीं करनी है। ये गुरुवार है, ये आपका क्या है, बुधवार है, बुधवार से पहले मंगलवार है, मंगलवार से पहले क्या है, सोमवार है, सोमवार से पहले क्या है, रविवार है, और रविवार से पहले क्या है, ये वाला वार मेरा क्या, रविवार से पहले क्या होगा, शनिवार। तो बिल्कुल सिंपल हो गया, कॉन्सेप्ट हार्ड नहीं है लेकिन उसको समझना इजी वे में वो चीज आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार आप इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के लेने वाला हूं, तो देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। क्वेश्चन ये है कि मोहन 9 दिन पहले, मोहन
मोहन नौ दिन पहले एक फिल्म देखने गया। मोहन नौ दिन पहले एक फिल्म देखने गया। वह अब देखो थिएटर में फिल्म देखने तो आप लोग भी जाते होंगे। अब इस क्वेश्चन में नौ दिन पहले फिल्म देखने की स्थिति पूछी गई है, लेकिन अभी कोरोना वायरस के चलते ये सारी चीज़ें अभी बंद है, तो इससे आप दूर रहें। मोहन नौ दिन पहले फिल्म देखने गया और वह फिल्म देखने केवल बृहस्पतिवार को जाता है। तो आज कौन सा दिन है। यहाँ पे शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। आज कौन सा दिन है मतलब वर्तमान पूछा है। बृहस्पतिवार, कईयों को ये पता ही नहीं है, यानी गुरुवार की स्थिति बोली है। अब आपको देखो ये आज यानी वर्तमान सबसे पहले प्रदर्शित करना है। मोहन नौ दिन पहले फिल्म देख के आ चुका है, यानी आज से कितने दिन पहले? नौ दिन पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब ऐसे नहीं कि 9 से ठीक पहले और आ जाओ। 9 दिन पहले का बोला है, आज से 3 और 3, 6 और 9वें दिन वो कहाँ फिल्म के थिएटर में था, वहाँ फिल्म देखने गया। उस दिन क्या था आपके? गुरुवार। बृहस्पतिवार को क्या बोला जाता है? गुरुवार बोला जाता है। अब अभी तक अपन ने जो कॉन्सेप्ट समझा है उसके बेस पे अपन को पता है कि प्रत्येक 7 दिन बाद समानवार आता है। तो यहाँ पर 3, 3, 6 और 1, 7 ये वाला जो दिन है वो क्या है? वापस गुरुवार ही है। ये वाला दिन वापस क्या है? गुरुवार ही है। तो आपको आज के बारे में पूछा गया क्योंकि 7 का समूह है, आज गुरुवार है तो 7 दिन बाद फिर गुरुवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार और ये क्या हो जाएगा? रविवार। ये क्या हो जाएगा? रविवार। अब एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट समझिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़, मैं वापस इस नंबर लाइन को बना रहा हूँ और आप लोगों को एक और चीज़ समझा रहा हूँ। ये आज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आज है और वो 9 दिन पहले क्या करता है? फिल्म देखने जाता है। तो आज से काउंटिंग होगी ना, 9 दिन की काउंटिंग आज से होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अपन ने अलग से 9 दिन काउंट कर लिए। ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ये रॉन्ग है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उसका रीजन क्या है? इसको छोड़ के नहीं काउंट करें, वर्तमान से स्थितियां काउंट होगी। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये रविवार इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? शनिवार होगा। और ये चीज आप समझिएगा अच्छे से क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है लेकिन गलती अपन कर जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आज कौन सा वार है? शनिवार है। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में अपन इसी अकॉर्डिंग दिनों तक ही काउंट करना है, लेकिन दिनों तक ही अपन काउंट करने में भी अच्छे से काउंट करें तो अपने लिए एग्जाम में अच्छा होगा। जैसे क्वेश्चन ये है, यदि 29 फरवरी का दिन सोमवार है, 29 फरवरी का दिन सोमवार है तो महीने का 11वां दिन किस दिन पड़ेगा? तो महीने का 11वां दिन किस दिन पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन है लेकिन समझने लायक चीज लास्ट वाली लाइन है कि महीने का 11वां दिन किस दिन पड़ेगा। कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। कंफ्यूज कैसे? 11वां दिन और किस दिन पड़ेगा, इस ये वर्ड क्या है? यहाँ पे पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। 29 फरवरी के दिन क्या था? ये 29 फरवरी, इस दिन आपके क्या बोला जा रहा है? सोमवार है। क्या आप बता सकते हैं कि इस महीने में सोमवार कब कब आए होंगे? बिल्कुल इजी है, 29 फरवरी तो एंडिंग पॉइंट है। हर 7 दिन पहले क्या रहा है? सोमवार रहा है। 29 में से 7 घटाइए, 29 में से 7 घटाऊंगा तो पीछे 22 रहेगा, यानी 22 फरवरी के दिन क्या रहा है? सोमवार रहा है।
फिर 22 में से 7 घटाइए तो कितना रहेगा 15। 15 फरवरी को भी क्या था, सोमवार था। फिर अपन 7 घटाते हैं, 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। यानी 8 फरवरी को भी क्या था, सोमवार था। लेकिन इसमें पूछा है कि 11वां दिन, अब महीने का 11वां दिन कौन सा होता है, जो महीने की 11 डेट होती है वही होता है। तो महीने की 11 दिनांक, कुल मिला के कौन से महीने की बात हो रही है, फरवरी की। तो फरवरी की 11 दिनांक को कौन सा वार होगा, जबकि 8 तारीख को तो क्या है, सोमवार है। तो ये 9, 10 और 11 मंगल, यहाँ पे बुधवार हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरुवार अपना क्या होगा, आंसर। तो ये वाली चीज़ें आप टेक्निक इसको यूज़ करें क्या, कि हर 7 दिन पहले समान वार था, या आज से 7 दिन आगे चलूँ तो समान वार होगा। कैसे भी स्थिति हो, ये चीज़ें चेंज नहीं होगी। चाहे महीना चेंज हो जाए लेकिन वार हर 7 दिन बाद वही रिपीट होता है। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया है। आप इसे पीछे से चल के भी चेक कर सकते हो और आगे बढ़ के भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 29 फरवरी को सोमवार है, तो वापस सोमवार कब आएगा, वापस सोमवार आएगा 29 में 7 जोड़े तो 7 मार्च आ जाता है। क्यों, क्योंकि फरवरी का महीना या तो 28 का होता है या 29 का होता है। 28 का साधारण स्थिति, साधारण वर्ष, और 29 का लीप वर्ष। तो जब 7 मार्च है उस समय भी तो सोमवार ही है। ये चीज़ आप समझे इस चीज़ को। उसके बाद अपन नेक्स्ट एक अच्छा और क्वेश्चन लेते हैं। खूब सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए और आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ सकें। और ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में सीधे मिलने के चांसेज है इन क्वेश्चनों का, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट दे सको अपना एग्ज़ाम और अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सको। तो देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, यदि एक वर्ष जो अधिवर्ष है, यदि एक वर्ष जो अधिवर्ष है जनवरी रविवार को पड़ती है, जनवरी रविवार को पड़ती है, एक वर्ष है जो अधिवर्ष है। अब आप कहोगे अधिवर्ष क्या है, लीप वर्ष की बात हो रही है। एक वर्ष जो अधिवर्ष है उसमें जनवरी रविवार को पड़ती है, यानी जनवरी रविवार उसके अंदर जनवरी सॉरी एक यदि एक वर्ष जो अधिवर्ष है जनवरी रविवार को नहीं एक जनवरी रविवार को पड़ती है। ठीक है, एक जनवरी अपन को क्या मिल गया, रविवार मिल गया। तो बोला जा रहा है कितने वर्ष बाद पुनः एक जनवरी को रविवार होगा, को रविवार होगा। अब देखो ये क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि साधारण से साधारण वर्ष में जाते हैं तो एक प्लस होता है और लीप से लीप में जाते हैं तो 2 प्लस होते हैं। लेकिन कंडीशन ये पता होनी चाहिए कि अपन लोगों को कि प्रत्येक चार वर्ष बाद क्या आता है, लीप वर्ष आता है। आपके यहाँ पे एक जनवरी जो दे रखी है उस दिन तो है रविवार, लेकिन रविवार के साथ क्या है, ये लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। लीप के बाद कौन सा वर्ष आएगा, साधारण वर्ष आएगा, फिर साधारण वर्ष आएगा और फिर साधारण वर्ष आएगा, फिर कौन सा, लीप वर्ष आएगा। तो ये कंडीशन चलेगी, आप लोगों को पता है। जैसे यहां पर 1 जनवरी को रविवार है तो लीप से साधारण में जाऊं तो भी प्लस के तो कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पे वापस 1 जनवरी को वार कौन सा होगा, यहाँ से प्लस 2 तो रविवार हो गया, सोमवार और मंगलवार हो जाएगा। लेकिन अपन को क्वेश्चन में पूछा है कि वापस 1 जनवरी आए और वो भी उस दिन क्या हो, रविवार हो, वो कौन से वर्ष होगा, यानी वो कितने वर्षों के बाद ये घटना घटित होगी। तो वापस आगे वाली 1 जनवरी को जाते हैं, साधारण से साधारण 1 प्लस यानी बुधवार आ गया। उसके बाद आगे बढ़ें तो 1 जनवरी फिर साधारण से साधारण जा रहा हूँ तो 1 प्लस यानी गुरुवार हो गया। उसके बाद 1 जनवरी
अभी तक रविवार नहीं आया है, मेरे को बताना है कि वापस 1 जनवरी को रविवार कब होगा। तो गुरुवार, फिर दो, साधारण साधारण साधारण, फिर साधारण से लीप में जा रहा हूँ, होगा तो एक ही प्लस ना। इस दिन भी क्या होगा, शुक्रवार हो जाएगा। लेकिन अब जो वापस लीप वर्ष से कौन से वर्ष में जाना है, यहाँ से यहाँ प्लस दो, यहाँ से यहाँ प्लस एक, यहाँ से यहाँ प्लस एक, यहाँ से यहाँ प्लस एक, लेकिन अब क्या होगा, प्लस दो, और वर्ष कौन सा होगा, साधारण। तो देखें, प्लस एक करें, सॉरी प्लस दो करें तो कितना होगा, प्लस दो करूँगा तो शुक्रवार, शनिवार, और उसके बाद क्या आ जाएगा, रविवार। यानी ये 1 जनवरी वापस रविवार आ रहा है, कितने सालों बाद आ रहा है, ये 1 साल, ये 2, 3, 4 और 5, यानी 5 साल, 5 साल के बाद पुनः कौन सा वार 1 जनवरी को आएगा, रविवार। अब करना कुछ नहीं है, लीप से साधारण, साधारण से साधारण, कंडीशन ध्यान रखनी है कि लीप से साधारण में जाए तो 2 प्लस होता है, साधारण से लीप में जाए तो 1 ही प्लस होता है, लीप से साधारण में जाए तो 2 और साधारण से लीप में जाते हैं तो 1 ही प्लस होता है। आपको केवल वर्ष काउंट करने थे, अपने वर्ष काउंट कर लिए। अब एक और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जन्मदिन की कुछ एक स्थितियां हैं, जन्मदिन की स्थिति किस प्रकार होती है। जैसे क्वेश्चन आ गया, मोहन का जन्म दिवस, मोहन का जन्म दिवस 29 फरवरी 29 फरवरी कौन से वर्ष में आती है, लीप वर्ष में आती है। मोहन का जन्मदिन 29 फरवरी को था, ठीक है, मोहन का जन्मदिन, स्पष्ट बात हो गई कि 29 फरवरी को क्या था, मोहन का जन्मदिन था। उसने अपना जन्मदिन चौथी बार मनाया है, कौन सी बार मनाया है, चौथी बार, वो भी 29 फरवरी को ही मनाया, और वो वर्ष था 2008। मोहन का जन्म 29 फरवरी को हुआ, लेकिन वो अब चौथा जन्मदिन वर्तमान में मना रहा है 29 फरवरी 2008। सवाल ये है, तो ज्ञात कीजिए मोहन का जन्म किस वर्ष हुआ, मोहन का जन्म किस वर्ष हुआ। अब देखो, 29 फरवरी है, इसका मतलब लीप वर्ष चल रहे हैं, और हर 4 साल बाद क्या आते हैं, लीप वर्ष आते हैं। तो यहां पर करना क्या है, 29 फरवरी 2008 ये था उसका चौथा जन्मदिन, 2008 क्या था, चौथा जन्मदिन है, तो तीसरा जन्मदिन 2004 में रहा, क्योंकि 4 वर्ष पहले जब लीप वर्ष, यहां पे लीप वर्षों की बात हो रही है, साधारण वर्षों की बात नहीं हो रही है। साधारण वर्ष की कंडीशन में हर साल के बाद बस अपन कहते हैं जन्मदिन आता है, लेकिन लीप वर्ष की कंडीशन में 4 साल पहले या 4 साल बाद इस प्रकार की स्थितियां चलती हैं। 2004 हो गया, फिर 2000, इस 2000 जो सन है उस टाइम उसने अपना दूसरा जन्मदिन मनाया, और 1996 को कौन सा जन्मदिन मनाया, पहला। तो बिल्कुल सिंपल हो गया कि 29 फरवरी 1996 को मोहन का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, मोहन का क्या हुआ, जन्म। तो आराम से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और अब कुछ और इम्पोर्टेंट और बड़े क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो किस प्रकार से आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन उन क्वेश्चनों में कंडीशन ये होगी, बड़े वाले क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो आपको 2-3 नाम दे के क्वेश्चन में आपको जन्मदिन के बारे में पूछा जाएगा किसी एक के। देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, यदि मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है, यदि मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है, तथा सुनीता संजय से। अब इस क्वेश्चन को लिखने से पहले एक और चीज समझें कि अगर मेरा जन्म जिस वर्ष हुआ है उसके बाद अगर
कोई जन्मता है, यानी उसके बाद किसी का जन्म होता है, तो मैं अगर उससे मेरे जन्म को कंपेयर करूं तो उसका जो जन्म डेट है उससे मैं पहले आऊंगा, क्योंकि मेरा जन्म उससे पहले हुआ है, तो वार बैक में चलेंगे। और अगर मेरे से उसके जन्मदिन को कंपेयर करना है तो मेरे बाद अगर उसका जन्म हुआ है तो क्या करना है, वह जो भी वार हो उससे आगे बढ़ना है, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है, 42 सप्ताह छोटी है। यदि संजय का जन्म छुट्टी यानी छुट्टी के दिन यानी रविवार, छुट्टी के दिन रविवार को हुआ, तो छुट्टी के दिन उसका जन्म हुआ हो तो मोहन का जन्म, मोहन का जन्म किस वार को हुआ, मोहन का जन्म किस वार को हुआ। ये कुछ क्वेश्चन की कंडीशन है। अब करना कैसे है इस चीज को समझते हैं। आपको बोला जा रहा है मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है। ये मोहन है और ये सुनीता है। इस मोहन और सुनीता में अगर संबंध देखा जाए तो मोहन सुनीता से, ये मोहन सुनीता से कितने 342 दिन बड़ा है। 342 दिन को आप सप्ते में कन्वर्ट करें, सप्ते में कन्वर्ट करने के लिए सात का क्या देते हैं अपन, भाग देते हैं। तो यहाँ पे सात का भाग दे रहा हूँ, सात चौक 28, यानी 342 में जब मैं सात का भाग लगाऊंगा तो सात चौक 28, पीछे कितना बचेगा 6, और यहाँ पे 2, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 50, 7 × 8 = 56, तो पीछे कितना बच जाएगा, 6 और बचेगा, यानी 48 तो सप्ते हो गए और 6 दिन क्या बचे शेष, ये 48 सप्ताह और 6 दिन। चलो प्रत्येक सप्ते के अकॉर्डिंग चलूं तो वही वार चलेगा, लेकिन 6 दिन आगे पीछे हो रहे हैं। आगे बोला है तथा सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है। सुनीता संजय से 42 सप्ताह क्या है, छोटी है। ये सुनीता संजय से क्या है, छोटी, यानी संजय बड़ा है और फिर संजय से बड़ा कौन है, मोहन। तो संजय और सुनीता के बीच में अगर गैप देखा जाए तो वो 42 सप्ताह क्या है, छोटी है। ये 42 सप्ताह का गैप है इन दोनों के मध्य, लेकिन संजय का जन्म छुट्टी के दिन, यानी संजय का जन्म कब हुआ, रविवार को। रविवार को किसका जन्म हुआ, संजय का। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। जिस दिन संजय का जन्म हुआ उसी दिन सुनीता का भी जन्म हुआ। उसका रीजन क्या है कि इन दोनों के बीच में जो सप्तों का गैप है वो फिक्स सप्ते हैं। अगर ऊपर एक दिन या दो दिन या 6 दिन आ जाए तब तो कैलकुलेशन इधर उधर होगी, लेकिन फिक्स सप्ते हो तो आप क्या कर दीजिए, वार सेम बना दीजिए। आपको पूछा जा रहा है मोहन का जन्म किस वार को हुआ, तो सुनीता और मोहन के बीच में क्या गैप है, सुनीता और मोहन के बीच में 48 सप्ते और 6 दिन का गैप है। मोहन बड़ा है या सुनीता, मोहन बड़ा है। सुनीता से पहले मोहन का जन्म हुआ कितने दिन, 48 सप्ते और 6 दिन पहले। तो रविवार तो सुनीता का जन्मदिन है तो 6 दिन पहले चलना पड़ेगा, रविवार से 6 दिन पहले। ये शनिवार हो जाएगा, उससे पहले शुक्रवार हो जाएगा, फिर आएगा गुरुवार हो जाएगा, फिर आपके बुधवार हो जाएगा, उसके पहले मंगलवार हो जाएगा, और मंगलवार से पहले क्या हो जाएगा, सोमवार। यानी मोहन का जन्म सोमवार को हुआ। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, फिक्स सप्ते अगर दिए हुए हो तो करना कुछ नहीं है, वार जितने भी फिक्स सप्तों का गैप दो या चार जनों के बीच में हो, एक का वार दे दे तो सबका वार वही इक्वल रहेगा। जैसे संजय और सुनीता के बीच फिक्स सप्ते 42 दिए, तो इसका भी रविवार और इसको भी रविवार को ही जन्म है। उसके बाद सुनीता और मोहन, इन दोनों के बीच में 342 दिनों का गैप है, तो उन्हें भी सप्ते में कन्वर्ट कर लिया। अगर यहाँ सप्ते देता तो ठीक है, दिन दे तो कन्वर्ट करना आपको आता है, तो सप्तों में कन्वर्ट किया। 6 दिन पहले चलूँ तो सुनीता से 6 दिन पहले, मोहन का 48 सप्ते और 6 दिन पहले, तो ये 6 दिन पहले सोमवार। बात समझ में आई होगी आप लोगों को।
एक और इसी टाइप का एक क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए आप लोगों के। बस इसमें यही ध्यान रखें कि जो फिक्स सप्ते हैं उन सप्तों की स्थितियों में जो भी जिनसे भी जुड़ाव है वो वार उसी वार को उनका जन्मदिवस रहेगा। जैसे क्वेश्चन ये है, यदि पंकज प्रीति से 53 सप्ताह यदि पंकज प्रीति से 53 सप्ताह बड़ा है, 53 सप्ताह बड़ा हो, प्रीति अन्नू से 462 दिन बड़ी हैं, पंकज प्रीति से 53 सप्ताह बड़ा है। लाइन से ये क्लियर हो गया कि पंकज और प्रीति है ना, उनका जो जन्म है वो समान वार को हुआ है, क्योंकि फिक्स सप्तों का गैप दिया, बड़ी हैं तथा पंकज का जन्म सोमवार को हुआ तो अन्नू का जन्म किस वार को होगा। अब देखो, सबसे पहले माइंड में एक चीज चलनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व बाद में करेंगे, पहले सप्ते में कन्वर्ट करें। अगर फिक्स सप्ते हैं तो इस क्वेश्चन में जितने भी नाम दे रखे हैं उन सब का जन्म एक ही दिन हुआ है और वो वार कौन सा है, सोमवार। कैसे? एक आदमी का जन्म अगर उस वार को हुआ और प्रत्येक के बीच निश्चित सप्तों का गैप है तो कोई दोहराई नहीं है कि प्रत्येक का जन्म उसी वार को हुआ होगा। जैसे यहाँ पे पंकज और प्रीति 53 सप्ताह बड़ा है, यहाँ पे 462 दिन आए हैं तो 462 को 7 से डिवाइड करते हैं, 6 सातु 42, पीछे 4 बचेगा, 6 सातु 42, भाग पूरी बार जा रहा है तो 66 सप्ते हैं ये 42, 462 दिन को क्या बोल सकता हूँ, 66 सप्ते। तो सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन में अगर आपको दिन दिए हुए तो उन्हें सप्ते में कन्वर्ट करें, और टोटल अगर सप्ते जितने भी है वो फिक्स सप्तों का समूह अगर बन रहा है, दिन ऊपर नीचे कोई नहीं है, तो आप यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है अन्नू का जन्म भी किस वार को हुआ, सोमवार को ही हुआ। ये ट्रिक आप हमेशा ही ध्यान रखें और आराम से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी जो अभी तक आप लोग नहीं क्लियर कर पाए हैं। कैलेंडर से संबंधित टॉपिक में उसके बारे में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन और शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या होता है। तब तक के लिए आप इसी प्रकार हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।